अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खीर की रेसिपी तैयार करूंगी। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले मुझे उसमें 2 किलो दूध चाहिए, 1 प्याली चावल, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, 10 बड़े चम्मच 10 टेबल स्पून चीनी, गिरी, बादाम, 3 इलायची के दाने और पानी 1 गिलास चावल को बॉईल करने के लिए। देखती लूँगी मैं, सबसे पहले उसके अंदर पानी ऐड करूँगी और अब उसके अंदर ये भीगे हुए चावल ऐड करूँगी। हाई फ्लेम पे मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दी हैं। जब इसका पानी पकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके नीचे लो फ्लेम कर दूँगी। पकना शुरू हो गया, मैं इसके नीचे लो फ्लेम कर दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। पूरे 15 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है। ये चावल बॉयल हो गए हैं, ये देखें। अब मैं इसे घोंटे से घोट लूँगी अच्छे से, ग्राइंड नहीं करूँगी। ग्राइंड करने से टोटली टेस्ट इसका चेंज हो जाता है। अगर आपने फिरनी बनानी हो तो फिर आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा मज़े की खीर बनती है। देख ही लूँगी मैं, उसके अंदर अब दूध ऐड कर दूँगी। और हाई फ्लेम पे इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी। इसे मैंने घोट लिया, ये गाढ़ा है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूंगी थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, मैं इसके अंदर ये इलायची ऐड कर दूंगी। दूध को मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लूँगी। बॉयल हो गया, अब मैं इसके अंदर ये चावल ऐड कर दूँगी। मैंने इसके अंदर सारे चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं लगातार इसका चम्मच हिलाती रहूँगी जब तक ये बॉयल ना हो जाए। जब ये बॉयल हो जाएगी तो फिर हम इसके नीचे लो फ्लेम कर देंगे। बॉयल हो गया, अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम कर दूँगी और साथ साथ इसका ध्यान रखते रहें। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए रखा हुआ है, साथ साथ इसका ख्याल रखें कि नीचे से लगे नहीं। बीस मिनट हो गए मुझे इसे रखे हुए, साथ साथ मैं इसका ख्याल रख रही हूँ। इसका चम्मच हिला लें, देख लें नीचे से ये लग ना जाए। ये देखें, ये लगातार पक रही है लो फ्लेम पे। अब मैं इसके नीचे अंदर गिरी ऐड कर दूंगी। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। तकरीबन पूरे 30 मिनट हो गए हैं मुझे इसे लो फ्लेम पे रखे हुए और अब इसका लगातार चम्मच हिलाते रहना है। ध्यान रखना है ये नीचे से लग नहीं जाए। शुगर ऐड करने के बाद मैंने 5 मिनट लगातार इसे हिलाया है। अब ये बनके तैयार है, मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। आप चाहें तो और शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। खीर की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की स्वीट डिश है, लेकिन थोड़ा मेहनत वाला काम है। आप इसे इस तरह ट्राई करें, आपको एक अलग टेस्ट महसूस होगा और बहुत ही मज़े की लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़े की और वीडियोज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।